अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे हेयर कलर जो है वो थोड़ा नीचे जा चुका है और थोड़ा डल हो चुका है, तो मेरा इनको चेंज करने का दिल कर रहा था। तो मैंने सैलून से भी पता किया, लेकिन खुद ट्राई करने में हमेशा मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसके लिए इस दफ़ा मैं करने जा गई हूँ पर्पल हेयर कलर। तो ये मैंने ब्रे मॉड का कलर लिया है, H66, ये वाला। अब मैं इनको मिक्स करती हूँ, फिर आपके सामने अप्लाई करती हूँ। इससे पहले मैंने जब हेयर वॉश किए हैं तो कोई भी कंडीशनर यूज़ नहीं करना है आपने। सुबह मतलब 4-5 घंटे पहले हेयर वॉश कर लेने अपने, और हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट कैसा आता है। स्ट्रीक्स मेरे पहले हुई हुई हैं, सैलून से मैंने पता किया था तो वो कह रहे थे दोबारा कट डाउन होगा। मैं दोबारा कट डाउन नहीं करवाना चाह रही थी, तो अभी देखती हूँ कैसा शेड आएगा खुद करने से। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हेयर डाई के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो आपको अपने बाल चाहिए जो कि हेल्थी होने चाहिए, दूसरा चाहिए आपको हेयर कलर। कुछ लोगों के बालों को कोई हेयर कलर शूट करता है, कुछ को कोई। मैं फर्स्ट टाइम ब्रे मोड यूज़ कर रही हूँ, 30 का वॉल्यूम है क्योंकि मैं कोई कट डाउन नहीं कर रही। साथ में एक ब्रश चाहिए हेयर कलर की एप्लीकेशन के लिए, साथ में आपको एक कोई भी बाउल चाहिए, डिस्पोजेबल बाउल भी चलेगा हेयर कलर मिक्स करने के लिए। साथ में आपको कोई भी कैंची चाहिए, आपको किसी टाइम भी बाल बांधने से पड़ सकते हैं ना, हाफ ऑफ करनी है पार्टीशन। तो ये हो गया। इसके बाद अब हम हेयर कलर करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हेयर कलर को मिक्स कर लेती हूँ। इसमें पहले हम ट्यूब ओपन करेंगे और डालेंगे। अब ये देखिए मेरे नेचुरल हेयर जो है वो कितने शाइनी हैं, क्योंकि मैं इनकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, ज़्यादा केमिकल्स यूज़ नहीं करती, हेयर वॉश ज़रूरत के तहत करती हूँ। ओवरली हेयर वॉश करना जो होता है वो बालों के लिए अच्छा नहीं होता। इसकी मेटेलिक से शाइन वाली ट्यूब है ब्रे मोड की, ये इसको हमने खोला और ये डालना शुरू कर दिया हेयर कलर। मैं इसको मिक्स करके आती हूँ। इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स, इसमें कोई भी लम्स जो है वो नहीं रहने चाहिए। ये देखें पर्पल कलर है, देखेंगे हमारे सिर्फ पर्पल शेड आता है या कलर आता है। हेयर कलर हमेशा नीचे से लगाना शुरू करें बालों को, क्योंकि स्कल के करीब जो होता है एरिया, वो पोर्शन जो होता है वो हीट अप होता है, तो वहाँ पे कलर जो है वो जल्दी आ जाता है। तो हमेशा नीचे से लगाना है, मुझे हाथों से हैंड से अच्छी तरह ग्लव्स पहन के कलर अप्लाई करना सही लगता है। आप चाहें तो ब्रश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ब्रश के साथ ये बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये मैंने सारा कलर जो है वो नीचे अप्लाई करना शुरू कर दिया अच्छी तरह, साथ साथ कॉम कर रही हूँ ताकि कलर जो है वो हर जगह अप्लाई हो जाए, हर बाल बालों पर अच्छी तरह। मैं तकरीबन साल में 3 कलर्स बालों पर अप्लाई कर लेती हूँ, मतलब 3 शेड्स जो है। मुझे बालों का शेड चेंज करना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे थोड़ी सी लुक फ्रेश आने लग जाती है और थोड़ा सा इंसान ख़ुद में चेंज फील करता है। आप भी बताइएगा कि आपको हेयर कलर करना पसंद है या नहीं, लेकिन हेयर कलर के लिए ये है कि आपके बाल जो हैं वो हेल्थी होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके लिए आपको नेचुरल केयर करनी चाहिए बालों की, ताकि आप इनके साथ जो मर्जी तजर्बे करने चाहें कर लें। ये हमारा हेयर कलर जो है वो अप्लाई ये हो हेयर चुका कलर है, अप्लाई हो गया है मेरा दोनों साइड्स पे, फुली पर्पल है, पूरी बैंगन बन गई हूँ मैं तो। ये आफ्टर वॉश जो शेड आया था फर्स्ट वॉश के बाद, ये जब मैंने सेकंड वॉश किया ना तो ज़्यादा पर्पलिश आ गया था और ज़्यादा क्लियर हो गया था और बहुत ही सिल्की स्मूथ बाल हो गए थे। कोई कंडीशनर अप्लाई नहीं किया हुआ था इसमें, सिर्फ हेयर वॉश किया शैम्पू के साथ। मेरा एक्सपीरियंस रिमोट के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।